नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सीएए को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज डोईवाला में एक बड़ी रैली आयोजित कर रही है। इस रैली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। काफी बड़ी ये रैली होने जा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून आम जनता के हित में है। ये कानून किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का काम करेगा और इसीलिए इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। तो डोईवाला में भाजपा की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। सीएए को लेकर के जागरूक करना इस रैली का बड़ा मकसद है। अब देखना होगा कि इस रैली के जरिए कन्विंस करने में जनता को कितने ज्यादा सफलता मिलती है। इस रैली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून आम जनता के हित में, ये कानून किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का काम करेगा। इसीलिए इस कानून का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जगह जगह इसका विरोध देखने को मिल रहा है और इसीलिए इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। यही मकसद आज की इस रैली का है। और चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस बड़ी रैली को लेकर के क्या है ताजा अपडेट्स? जी देखिए दीपिका, मैं आपको बताऊं कि करीब एक महीना हो चुका है और भाजपा संगठन पूरी तरह से नागरिकता बिल को लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जाके, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हों, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को काम सौंपा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार एक महीने के करीब हो गया है और अलग अलग क्षेत्रों में जाके पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री नागरिकता कानून को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके समर्थन में लगातार इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। आखिरकार नागरिकता कानून है क्या, लोगों को जागरूक करने का कार्य यहाँ पर पार्टी संगठन के माध्यम से लंबे समय से किया जा रहा है। लगातार अभी इसी क्रम में आज डोईवाला, देहरादून के डोईवाला में एक रैली का आयोजन होने जा रहा है। 11 बजे ये रैली में लोग पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तमाम ये बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है भाजपा संगठन की ओर से। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खासकर बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहने वाले हैं। पार्टी के अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी यहां पर आज पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ एक मंच पर साझा होंगे। और तमाम इस रैली का आयोजन जिस मकसद से किया जा रहा है, ये वजह यही है कि नागरिकता जो बिल है उसको किस तरीके से पेश और जनता के बीच में उनको उसको लेके जाया जाए। लिहाजा पूरी तरीके से नागरिकता कानून के समर्थन पर ये रैली हो रही है। और जिस तरह से एक महीना करीब हो चुका है पार्टी संगठन ने, भाजपा संगठन ने लगातार अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सांसद और विधायक गणों को अपने अपने क्षेत्रों में जाके या अन्य इलाकों में जाकर नागरिकता कानून को लेकर उसके समर्थन में लोगों को जागरूक करने का कार्य सौंपा हुआ था और ऐसा हुआ भी। लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को ऐसे जागरूक किया जा रहा है आखिरकार नागरिकता है क्या उसकी उससे लाभ होगा, क्या उसकी उससे हानि है, लोगों को क्या दिक्कतें हैं, उसके समर्थन में ऐसे जाके पार्टी के पदाधिकारी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज देहरादून के डोईवाला में ये रैली का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत शामिल होंगे और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लिहाजा भी 11 बजे ये रैली का आयोजन हो रहा है, तैयारी पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री फिलहाल अभी दिल्ली में है। दिल्ली जैसे वो यहाँ पर पहुंचेंगे सीधे वो रैली के प्रांगण परिसर में पहुंचेंगे और साथ ही साथ जितनी भी तैयारी है सुरक्षा के लिहाज से बात करें पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है दीपिका। अब विनोद, लेकिन जिस तरीके से सीए को लेकर के विरोध किया जा रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की बात हो, ऐसे में ये सवाल उठता है कि पूरी तरह से जनता को कन्विंस करने में सरकार फेल हुई है। जी ये बात जरूर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर है, ये वजह है कि विपक्ष का भी पूरी तरह से सड़कों पर उतरना और विपक्ष को पूरी तरह से इस ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर सरकार को वो घेर रहा है और लगातार सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष पूरी तरह से इस कानून को लेकर घेरता आया है। लिहाजा अभी फिलहाल विपक्ष का भी यही कहना है आखिरकार अधूरी तैयारियों के साथ में
इस कानून को लाया गया है। कहीं ना कहीं सरकार भी इस पूरे कानून को लेकर बैकफुट पर रही है, चाहे अनेक देश की बात करें चाहे प्रदेशों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लगातार अनेकों संगठनों के माध्यम से इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और विपक्ष पूरी तरह से इस कानून को लेकर हमलावर रहा है सरकार पर। लिहाजा अधूरी तैयारियों के साथ में जरूर इस बिल को कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष बोल रहा है कि अपने ही बिल को पास करके लोगों को अपने आप ही जागरूक करने का कार्य सरकार कर रही है, तो ये अधूरी ही एक तैयारी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि करीब एक सप्ताह एक महीना हो गया है और पार्टी संगठन की ओर से सभी जितने भी दायित्वधारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको कार्य सौंपा जा चुका है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके नागरिकता कानून के बारे में लोगों को जागरूक करें, आखिरकार क्या कानून है, किस तरीके से लोगों को बताएं आखिरकार कि इस कानून में नागरिकता देने का कार्य किया जा रहा है, ना कि छीनने का। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मसलों विषयों को लेकर पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक रैली के जरिए जब जनता के बीच जाएंगे, देखना होगा कि कितना ज्यादा जागरूक लोगों को इस रैली के माध्यम से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये चर्चा होगी, त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इस मसले को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चर्चा करेंगे। तो त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से ये अहम कदम उठाया जाए। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में ये विस्तार होने जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली दौरे के दौरान चार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जब जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जमरानी बांध परियोजना और कुंभ को लेकर के चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात में पर्यावरण की क्लियरेंस की वजह से रुके हुए 140 केसेस को लेकर भी बातचीत हुई। सीएम ने इन मुद्दों को खत्म करने की गुजारिश की। मुख्यमंत्री ने संचार मंत्री रविशंकर के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री ने अनुदान राशि मांगी है, जैसे कि फेज टू नेट परियोजना के तहत उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टिविटी दी जा सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही सीएम की मुलाकात हुई और इस दौरान पूर्वोत्तर राज्य की तरह बजट आवंटन करने की बात कही गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उत्तराखंड में हो रहे पलायन को ध्यान में रखकर बजट देने की बात भी कही। जमरानी बांध हमारा बनना है, गंगा जी की निर्मलता को लेकर के और जो वहाँ पर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी प्रगति को लेकर बातचीत हुई है। हरिद्वार के कुंभ में मंत्रालय के द्वारा और क्या सहयोग किया जा सकता है? कुंभ मूलतः तो उत्तराखंड को करना है, लेकिन ये कुंभ राष्ट्र का विषय है, हम सब लोग साथ हैं। हमने कुछ विषयों पर बात की है, कुछ विषयों पर विस्तार से एक बार फिर बैठ करके चर्चा करेंगे। हम हर एक बांध, हर एक जल परियोजना में हर एक प्रदेश का सहयोग करते हैं और करेंगे, और उत्तराखंड विशेष रूप से, क्योंकि उसकी एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है, न केवल वाटर रिसोर्सेज को लेकर के, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी को लेकर के, ग्रेविटी बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। आगामी कुंभ को देखते हुए पुलिस विभाग और रेलवे विभाग के बड़े अधिकारियों की पुलिस मुख्यालय में बैठक की गई। बैठक में रेलवे से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। सुरक्षा के लिहाज से स्टेशनों पर सीसीटीवी और ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ के साझा सुरक्षा इंतजाम पर जोर दिया गया खासतौर पर। साथ ही लाखों की भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी प्लान तैयार किया गया। कुंभ के बारे में भी काफ़ी बातें हुई हैं और कैसे ये भी हुआ है कि एक सेम स्टेशन पे चढ़ना उतरना नहीं रखा जाए, चढ़ने जो है उतरने के स्टेशन अलग हों, चढ़ने के अलग हों, तो उससे और इजी हो जाएगा। स्टैम्पेड की संभावना रहती है हमेशा रेलवे स्टेशनों पे, जब लाखों आदमी रेलवे के थ्रू आता है, तो उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है।
उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इस साल के अंत तक राज्य में शिक्षा को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दिसंबर 2020 तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में फैकल्टी को पूरा कर लिया जाएगा। तो 2020 की आखिरी तक व्यवस्था को सुधारने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के ये बैठक की। काफी गंभीर मसलों पर इस बैठक में चर्चा हुई। शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का लक्ष्य 2020 के अंत तक रखा गया है। तो देहरादून में ये बैठक हुई, जिसमें जिस तरीके से शिक्षा विभाग में कई बार हमने देखा कि भारी लापरवाही निकल के सामने आती है, और उसी में चीजें सुधार के लिए ये बैठक बुलाई गई। देखिए, आज मैंने उच्च शिक्षा विभाग के जितने हमारे पूर्व डायरेक्टर थे, सलाहकार हैं, और उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के दोनों हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनके एक महत्वपूर्ण बैठक की। और शिक्षा की गुणवत्ता कॉलेज और विश्वविद्यालयों में वो कैसे हो, इस पर बहुत विचार विमर्श किए गए हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मार्च और अप्रैल तक पूरी फैकल्टी आ जाएगी। और इस वक्त हल्द्वानी से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ पर बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है, गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया आरोपी। बेटी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बेटी ने हल्द्वानी में अपने ही पिता की हत्या कर दी है, गला घोटकर पिता को मौत के घाट उतारा। आरोपी बेटी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और वजह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि अपने पिता को ही गला घोटकर मार दिया। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आखिर क्या वजह निकल के सामने आई, बेटी ने अपने पिता को क्यों मारा? देखिए, आपको बता दें, हल्द्वानी के थाना बदबुलपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक कलयुगी बेटी ने अपने पिता की गला घोटकर हत्या कर दी है। और जो पूरा मामला जो आ रहा है निकल के, उसमें साफ तौर पर नशे का बताया जा रहा है, क्योंकि जो बेटी थी उसको नशे की लत लग गई थी, और इसकी शादी हो चुकी थी, और कुछ दिन पहले ही अपने ये मायके आई हुई थी। और बात करें जिस तरह से उसके परिवार वाले हैं नशे को लेकर उसको रोकते थे, उसी कहा सुनी में इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी। अंकित, क्या इस वारदात में कोई और भी शख्स शामिल था बेटी के साथ? देखिए, अभी ये तो बताना रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नशे को लेकर लगातार पुलिस अभियान चला रही थी, आज नशे के खातिर एक लड़की ने अपने पिता की हत्या कर दी, बहुत बड़ा सवाल है। वहीं बात करें तो पुलिस ने इस मामले पर लड़की को हिरासत में ले लिया, और जो पिता की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो भी अब रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर उस पर कार्रवाई होगी, और जो नशे को लेकर है जिस तरह से कार्रवाई कर रही है। अंकित, आरोपी बेटी की क्या उम्र रही होगी, और साथ ही पुलिस क्या कुछ कार्रवाई और क्या कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? देखिए, जो लड़की की उम्र बताई जा रही है 28 साल की बताई जा रही है, और फिलहाल अभी पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, हिरासत में लड़की को ले लिया है, और जब तक रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस और तथ्यों पर भी इसमें जांच कर रही है। चलिए अंकित, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी में बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी है, और वजह यह है कि बेटी को नशे की लत थी, जिसके चलते उसने अपने पिता की हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है, जिसे लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि इस दौरान पहाड़ में अवलांच का भी खतरा है, इसलिए एहतियातन बरतना बेहद ही जरूरी हो गया। मौसम विभाग ने 2000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की
संभावना जताई है। तो मौसम विभाग की चेतावनी जिसको लेकर के प्रशासन की टीम भी अलर्ट पर है, भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, मैदानी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। तो दूसरी तरफ बड़कोट में मौसम विभाग की चेतावनी का असर भी देखने को मिला। बड़कोट में बर्फबारी मुसीबत बन चुकी है। राड़ी मार्ग बर्फबारी से बंद हो चुका है। सड़कें बंद होने से जो राहगीर हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है वहां से गुजरने में। ये देखिए, सड़क पर 5 इंच तक बर्फ जम चुकी है। PWD ने सड़क खोलने के लिए JCB लगाई, लेकिन बावजूद इसके सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी ये काफी बड़ी चुनौती है कि सड़क से बर्फ को हटाना और सड़क को राहगीरों के लिए खोल देना। सड़कें बंद होने से वहां से जो राहगीर गुजर रहे हैं, राहगीरों को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर 5 इंच तक बर्फ जम चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो राहगीर हैं उन्हें कितनी ज़्यादा मुसीबत हो रही है, क्योंकि एक तरफ मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जब बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में उन्हीं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। 5 इंच तक बर्फ़, आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का टायर है वो भी बर्फ़ से ढक चुका है। ऐसे में प्रशासन की टीम ने JCB की मदद ली है, लेकिन बावजूद इसके मार्ग अभी तक खुल नहीं पाया। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या जो सड़क बंद था वो खुल गया? देखिए, लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों काफी बर्फबारी हुई है, हालांकि आज मौसम खुशनुमा है और एक हल्की सी धूप की जो झलक है वो मिल चुकी है। इसमें अगर हम ताजा अपडेट की अगर बात करें तो अभी जो राड़ी कपनौल जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद है, बर्फ की आगोश में है। 4 से 5 फीट तक सड़क में इसमें बर्फ जमी हुई है, जबकि अगर हम NH 94 राड़ी टॉप की बात करें, जो ये अहम सड़क मार्ग है उत्तरकाशी को जोड़ने वाला, खासकर जो तहसील बड़कोट मोरी और पुरोला तहसील है उसको जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला राड़ी टॉप, ये अभी फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन जो फिसलने की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। एक जो तस्वीर सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो राहगीर हैं वो अपनी गाड़ी में धक्का मार रहे हैं। ये धक्का मारने का कारण ये है कि जब चढ़ाई आ जाती है तो उसमें बर्फ में गाड़ी फिसलने शुरू हो जाती है। इसके बाद ही जो राहगीर है ये गाड़ी से उतरते हैं और उसमें फिर धक्का मारना शुरू कर देते हैं। जी नितिन, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्या JCB की मदद ली जा रही है रास्ता खुलवाने के लिए? देखिए, जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले ही जो एक अलर्ट जारी कर दिया गया था, खासकर उत्तरकाशी जिले की अगर हम बात करें, इसमें निचले इलाके या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हैं, जो 2000 मीटर से ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें बर्फबारी का एक अलर्ट जारी कर दिया गया था, और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं यानी कि जो आपदा प्रबंधन NH और PWD जो विभाग है, इनको स्पष्ट तौर से कह दिया था कि अगर जो सड़क बंद होने की जो स्थिति है वो अपनी जो सामग्रियां वहां पे तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी को देखते हुए अगर हम NH की बात करें तो NH ने राड़ी टॉप में 2 JCB मशीन वहां पे मुस्तैदी से काम कर रही है। ठीक है नितिन, देखना होगा कि मार्ग कब तक खुल पाता है और प्रशासन कितना ज्यादा गंभीरता से काम करती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नितिन। आगे बढ़ेंगे पिथौरागढ़ के धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र व्यास और दारमा में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से कई सड़क मार्ग बंद होने से लोग काफी परेशान हैं। पिथौरागढ़ धारचूला में भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ ये मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी खूबसूरत ये नज़ारा, लेकिन उतना ही मुश्किल वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड वहाँ पर पड़ रही है। भारी बर्फबारी के चलते लोगों की जो परेशानी है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। धारचूला में भारी बर्फबारी देखने को मिली। और टिहरी में मौसम ने करवट ली है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। उधर बर्फबारी की वजह से अभी से कई सड़कें बंद हैं, जिससे आवाजाही में
परेशानी हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। टिहरी में कुदरत एक बार फिर से मेहरबान हुई है। जिले में ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन नगरी धनोल्टी, कानाताल, कद्दूखाल, सुरकंडा, जड़ी पानी में खूब बर्फ गिर रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। जी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब सुना था काफी हैवी स्नोफॉल होते हैं कानाताल में, स्नोफॉल देखने के लिए, और काफी मजा आ रहा है। हमारे साथ के लोग भी जो आए हुए हैं वो लोग भी काफी एंजॉय ले रहे हैं। कल जब हम पहुंचे तो कल तो नहीं थी बारिश बर्फबारी इतनी, और आज रात से ही शुरू हुई है 9 से 10 बजे के आसपास, और काफी हैवी हो गई है। अभी फिलहाल हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे, गाड़ी हमारी फंसी हुई है यहाँ पे। इस तस्वीर को देखिए, इन गाड़ियों के ऊपर देखिए बर्फ की मोटी परत जम गई है, तो वहीं सड़कों पर बर्फ इस कदर जम गई है कि चलना मुश्किल हो गया है। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।